सोमवार को उदयमान सूर्य को अर्घ के बाद महापर्व छठ के समापन हो गया। दो दिनों बिहार में थमी सियासी बयानबाजी आज से शुरू हो जाएगी। प्रदेश में मोकामा और गोपालगंज विधानसभा उपचुनाव के लिए 3 नवंबर को वोटिंग होनी है। महागठबंधन और एनडीए दोनों अपने उम्मीदवारों की जीत पक्की करने के लिए सोमवार से फिर मैदान में उतरने वाले हैं। लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जुमई से सांसद चिराग पासवान ने बीजेपी उम्मीदवार के समर्थन का ऐलान किया है। इसी सिलसिले में वो अनंत के गढ़ कहे जाने वाले मोकामा में रोड शो कर तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। लोजपा के अध्यक्ष चिराग पासवान ने मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी के उम्मीदवारों को समर्थन देने का ऐलान किया है, जिसके बाद वो भाजपा प्रत्याशियों की जीत पक्की करने के लिए मोकामा और गोपालगंज में चुनाव प्रचार करेंगे। चिराग सोमवार को अनंत सिंह के गढ़ कहे जाने वाले मोकामा में रोड शो कर तेजस्वी यादव को टक्कर देंगे। मोकामा विधानसभा उपचुनाव में अनंत सिंह की पत्नी राजद की टिकट पर चुनावी मैदान में है। चिराग पासवान गोपालगंज में भी 1 नवंबर को चुनावी सभा करेंगे। मोकामा उपचुनाव में दो बाहुबलियों की पत्नियों के बीच मुकाबला है। महागठबंधन ने राजद के पूर्व विधायक अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी को उम्मीदवार बनाया है, जबकि एनडीए ने ललन सिंह की पत्नी सोनम देवी को चुनावी मैदान में उतारा है। चिराग पासवान के जीजा साधु पासवान महागठबंधन की प्रत्याशी नीलम देवी के पक्ष में मोकामा में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान और उनके जीजा उपचुनाव में आमने सामने होंगे। दोनों अपने अपने प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने के लिए सियासी वार करेंगे।